चाहे किसी भी स्टेट में हो, जो जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, तो वो ज़रूर इस चैनल पे आप हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए, और आपके दान की हमें बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अभी और भी हमें इसको अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैं बताता नहीं, क्योंकि हमने जो है 4 मंदिर अभी तक बना दिए हैं। सारे गाँव के मूल निवासी हैं, सबने अपने अपने हिसाब से जिसका जितना हो पाया, जिसकी अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों ने दान किया। लेकिन मैं अभी यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमें फ़िलहाल के लिए तो आवश्यकता है, मैं क्याड़ के ही निवासियों से और दक्षिण के तहसील दक्षिण के जो मूल निवासी, चाहे वो देश विदेश में रह रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें जो है आपके दान की आवश्यकता है। इस मंदिर कमेटी को, सनातन धर्म सभा जो क्याड़ है, उनको आपके दान की आवश्यकता है। इस मंदिर का पूरी तरह से निर्माण करने के लिए हमें आपकी दान की आवश्यकता है, तो कृपया करके इस मंदिर को सुसज्जित करने के लिए आप बढ़ चढ़ कर दान करें। उसके लिए आपका जो है हम आभार व्यक्त करेंगे, और जो कांटेक्ट करना चाहेंगे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सुदेश जी से, क्योंकि सुदेश जी 24/7 अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट नेटवर्क में होते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी। किश्तवाड़ से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक ऐसा गाँव है जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कम्युनिकेशन अभी नहीं है, तो फिर भी आप इन गाँव में मकान देख सकते हैं, हमारे मंदिर देख सकते हैं कि किस तरीके से वेल डेवलप्ड है। ये यहाँ के लोगों ने खुद कैमरा को मैं जितना ऊंचा लेके चलूंगा उतना ऊंचा विशाल हमारा ये मंदिर है, जो कि पहला मंदिर जब हम अपना गांव एंटर करते हैं और पहला मंदिर हमें जो है यही दिखता है। और एक विशेष चीज़ एक और है, जो साथ में आपको जो ये मकान आपको दिख रहा है, इसमें चंडी माता का वास है, वहाँ पे भी आपको मैं लेके चलूँगा और चंडी माता के दर्शन भी आपको कराने की मैं कोशिश करूँगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये गांव की खूबसूरती है, और गांव के बीचों बीच में ये मंदिर जो मैंने दिखाया है, गांव के बीचों बीच में जो ये मंदिर जो है यहाँ स्थित है। आपकी ही इस धरा पर, आपकी ही इस जन्मस्थली पर मैं पूरे क्याड़ के लोगों की तरफ से और सनातन धर्म सभा की तरफ से आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आप इस धरा के पुत्र हैं, आप इस धरती के लाल हैं, हमें बेहद खुशी है, भोले बाबा की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। हम काफ़ी देर से चाहते थे कि यहाँ पे कोई आए और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता, और जो लोग धर्म के, अपनी सनातन धर्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा लगाव रखने वाले लोग हैं, हम चाहते थे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए, परंतु आखिर में हमें अपना ही एक ऐसा भाई, अपना ही एक ऐसा लाल मिला, तो विशेषकर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। अंदर लेके आपको मैं चलता हूँ और आपको भोले बाबा के यहाँ दर्शन कराता हूँ। और इस मंदिर की बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है, बड़ी एक प्राचीन चीज़ है, इस मंदिर में आप जो भी अपने लिए, जो भी अपने समाज के लिए, जो भी आप वरदान मांगोगे, यहाँ स्वयं आपको बाबा जी प्रकट दिखते हुए भी एक आभास प्रकट होता है। और मैं इस समय ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरी आवाज़ में थोड़ी कंपन ज़रूर आ रही है, क्योंकि जब ही मैं इस मंदिर में आता हूँ, जब भी कोई इस मंदिर में आने की कोशिश करता है, और यहाँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस प्रतिमा को देख के। जब हम बच्चे थे तो हमें इस मंदिर में लाया जाता था, तब इस मंदिर में जो यहाँ एक बड़ा सा एक विशाल पत्थर हुआ करता था, और उस पत्थर की बड़ी महिमा होती थी। जब कहते हैं कि जब उस पत्थर पे जो बर्फ पड़ती थी वहां जमा नहीं होती थी, तो आप थोड़ा सा उसको विवरण कर दीजिए। सुदेश जी, ये जो मंदिर है, आपने जैसा कहा कि ये वाकई में एक विशाल का एक चट्टान है, उसके ऊपर बना हुआ है। उस चट्टान को लेकर हमने भी अपने पूर्वजों से यही सुना है कि यहाँ पे जो है इस मंदिर के ऊपर जो है, इस मंदिर की जो चट्टान के ऊपर जो है, वो भोले बाबा का वास हुआ करता है, हुआ करता था। और इस चट्टान की एक विशेषता थी, यदि यहाँ पे 2-3 मीटर यदि बर्फ भी गिरती थी, तो यहाँ पे जो है ये जो बर्फ जमा नहीं होती थी, इसलिए नहीं होती थी क्योंकि यहाँ स्वयं साक्षात भोले बाबा विराजते थे। और उसके बाद से यहाँ एक बार जो है त्रासदी, प्राकृतिक त्रासदी हुई थी, जो आग की घटना यहाँ क्यार में हुई थी। इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जो है काफी ज्यादा मकान हुआ करते थे, कंजस्टेड, एक दूसरे के बिल्कुल करीब जो है मकान हुआ करते थे। तो जो ये मंदिर का क्षेत्र है, मंदिर का जो एरिया है, काफी ये एक एरिया सुरक्षित रहा था, बाकी पूरा गांव जला था। तो आप स्वयं आभास कर सकते हैं, इस चीज का अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ भोले बाबा का वाकई में वास है। और यहाँ मंदिर के प्रांगण में आने से ही
विशेष मात्र से यहाँ की यहाँ आकर नकारात्मक शक्तियों का जो है यहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। ये मंदिर से बाहर निकलते ही मैं आपको मंदिर परिसर दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ इस मंदिर में अभी तक हम थे और इस मंदिर के बिल्कुल साथ में ही आप इस मकान के शिखर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये शिखर बनाया गया है। वो यहीं पे निवास जो है मचेल माता का है, जो कि पाडर में मचेल माता स्थित है और उनका एक भक्त यहाँ पे हुआ करते थे। उनका जो भक्त यहाँ पे एक बहुत बड़े भक्त उनके हुआ करते थे। हम उनको बड़े भावपूर्वक बड़े दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनका जो कुछ साल पहले ही निधन हुआ है और मैं आपको अभी उस दरबार में लेके चलने की कोशिश करूँगा, चंडी माता के दरबार लेने की कोशिश करूँगा और उनका दरबार आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये चंडी माता का दरबार है और हम यहाँ अभी अंदर माता के दरबार अभी हम अंदर आए हैं और मचेल के चेले आदरणीय स्वर्गवासी मामा श्री चंद जी का यहाँ पे काफी ज्यादा इसमें अहम भूमिका है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि श्री चंद जी की प्रतिमा को दिखाने की कोशिश करें। तो यहाँ से जो है मचेल की यात्रा जब वहाँ भद्रवा से निकलती है, जिस दिन मचेल माता की यात्रा भद्रवा से निकलती है, तो जो ये त्रिशूल आप देख रहे हैं, माता का त्रिशूल यहाँ पे रखा हुआ है, ये स्वयं श्री चंद जी ने लाया था। तो यहाँ से भी छड़ी त्रिशूल के रूप में छड़ी मुबारक यहाँ से हर साल जाती है और माता के भवन मचेल तक जो है यहाँ से यात्रा जाती है। जैसे कि आपने अभी चंडी माता के दर्शन किए और कुछ ही समय के बाद जो हमारा रघुनाथ मंदिर आपको सामने ही दिखेगा, तो आज हमारी यही कोशिश है कि इस देव स्थल में जितने भी मंदिर है आज हम सबके दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए हम श्री रघुनाथ मंदिर के प्रांगण में इस समय हम मौजूद हैं और सबसे पहले हम अजीत जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चप्पल दोबारा पहने, पहले हम मंदिर के बाहर से थोड़ा सा हम शूट करते हैं। तो ये रघुनाथ मंदिर है जहाँ जिस समय इस प्रांगण में अभी हम खड़े हैं और पार आप जो है माता का मंदिर आपको दिख रहा होगा और इस मंदिर में अगर हम जाएंगे वहाँ जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। सबसे पहले मैं स्पष्ट रूप में आपको बताऊंगा, इस मंदिर को भी मैं लेके चलूंगा, वो रास्ता भी आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि एक समय 2021 में जब यहाँ पे क्यार में त्रासदी हुई थी और काफ़ी सारी यहाँ पे लॉस वगैरह देख सकते हैं कि बिल्कुल जब दरिया का सतह काफ़ी ऊंचा होता है, वो दरिया यहाँ पे काफ़ी ऊपर तक होता है, तो मगर अगर क्यार के लोगों ने इन मंदिरों को बनाने की इतनी मशक्कत करी है, इतनी मेहनत करी है, इतना टाइम अपना इन्वेस्ट किया है, मगर हमारे जो कोई भी चाहे कोई भी जो सरकार है हम लोगों को यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराती है। तो आपको अंदर लेके मैं चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीर बजरंग बली जी के आपको दर्शन बिल्कुल भारी होंगे। तो चलिए अजीत जी अंदर हम चलते हैं और मैं आपको मंदिर के बिल्कुल अंदर लेके आया हूँ और ये आपको मैं साक्षात यहाँ पे राम जी का परिवार यहाँ पे आप साक्षात आप देख सकते हैं और आप दर्शन कर सकते हैं। और ये मंदिर भी गांव के जो निवासी है उन्होंने ही इस मंदिर का भी निर्माण किया है और ये यहाँ के लोग अपनी संस्कृति के साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं और आप यहाँ के जो मंदिर है उनका निर्माण देख के मैं बड़ा भावुक हो रहा हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा राम परिवार यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। जी हमने जो ये राम परिवार के लिए ये जो आपने बिल्कुल एक वस्त्र देख रहे हैं, ये विशेषकर जो है एक मादानी हमारे गांव के जो बाहर रहते हैं उन्होंने जो है बरसाना से ये जो है यहाँ पर वस्त्र मंगवाए हैं या भिजवाए हैं किसी के भी। तो हम दो मंदिरों में गए, उसके बाद ये जो है रघुनाथ मंदिर है,
सबसे पहले यहाँ एक जोधा मल्लव नाम की फैक्ट्री हुआ करती थी, जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ये मंदिर जो है लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी और क्या कहते हैं पत्थरों का बना हुआ था। उसके बाद से इसका पुनर्निर्माण जो है यहाँ के मूल निवासी लोगों द्वारा ही किया गया। तो सनातन संस्कृति के प्रेमी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों में भगवान के प्रति प्रेम है, जो इस प्रकार से मंदिर एक नहीं दो नहीं चार चार पांच पांच मंदिर जो है हमारे इस गांव में है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, प्रत्येक संडे को यहां पे लोग आते हैं, हमारी माताएं बहनें यहां पे आती हैं, हमारे बुजुर्ग यहां पे आते हैं और अमृत वाणी का पाठ करते हैं। जिन जिन लोगों ने भी ये दीक्षा ली है वो लोग भी, और गांव के कुछ हमारी माताएं बहने भी यहाँ आती है, वो संडे को यहाँ पे हर संडे को जो है अमृत वाणी का पाठ करते हैं। और बड़ी अच्छी फीलिंग होती है उस समय जब दूर दराज गांव में जहाँ पे अनपढ़ता बहुत ज्यादा है तब भी हमारी सनातन संस्कृति से लोग जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो इस मंदिर को अभी हम छोड़ते हुए आगे जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी थी, मैं कैमरामैन से भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मंदिर के जब प्रांगण में हम जो बाहर का जो प्रांगण है यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं नजर डालता हूँ तो सामने जो आपको ये लाल सी चादर में लपेटा हुआ जो ये मंदिर आपको दिख रहा है, ये माँ काली का मंदिर है। तो इस मंदिर के बाद बड़े दुर्गम बड़े रास्ते से हमको जाना पड़ेगा और इस मंदिर में काली माता के भी आपको दर्शन कराने की मैं कोशिश करूंगा। यह आपको जो आपको एक कच्चा पुल दिख रहा है, इस कच्चे पुल से मुझे अभी गुजरना पड़ेगा और कुछ साथी जो अभी आपको दिख रहे हैं कि यहाँ चल रहे हैं, इस कच्चे पुल से होके जो मुझे काली माता के मंदिर के दर्शन करने पड़ेंगे। जय माता दी। मैं अभी काली माता के मंदिर जा रहा हूँ और इस रास्ते से मैं अभी काली माता के मंदिर जा रहा हूँ। यह रास्ता सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुला रहता है, ये भी एक बड़ी बात है। 6 तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोला, लेकिन 3 महीने के लिए ही खुला रहता है। जब दरिया का सतह जो है ज़्यादा भर जाएगा तो जो कच्चा पुल आपको दिख रहा है इसको निकाल देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कम लोगों को 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा और वहां से जो घूम के जो है काली माता के दर्शन उनको करने पड़ेंगे। ये हम काली माता के प्रांगण में हम आए हैं और मैं आपको बताने की ये कोशिश करूंगा कि पहले यहाँ से जो है ये आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ से ही यहाँ हम आते थे, पुल लगा होता था। तो 2021 के बाद हमें जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस मंदिर में आने के लिए। तो मंदिर के मुख्य द्वार की ओर हम आ रहे हैं और ये मंदिर का जो है मुख्य द्वार है। माता काली के मंदिर में हम आए हैं। ये मंदिर अभी अभी जो है इसका निर्माण किया हुआ, अभी भी पूरी तरीके से ये कंप्लीट नहीं है। तो इसी में आपको अंदर लेके आया हूँ और सबसे पहले आप इस प्रतिमा को देखिए। इस प्रतिमा को देख के ऐसा भयभीत होता है कि बिल्कुल काली माता जो है समक्ष हमारे सामने यहाँ पे विराजमान है। और एक बात और आपको स्पष्ट करूँगा कि क्यार में जितने भी मंदिर आप देख रहे हो, जितनी भी प्रतिमाएं आपने देखी, ये एक ही मिस्त्री की कलाकारी है जो कि सुरेश जी है। और मैं इस मंदिर में आज खड़ा होकर उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस क्यार को बहुत ही एक खूबसूरत सा आपने पहचान दी है और आपने गिफ्ट दिया है, पहचान आपने दी है। तो मैं आपका पूरी मंदिर की कमेटी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रतिमा नहीं होती थी, यहाँ पे पहले जो है फोटोज वगैरह माता के रखे जाते थे। तो ये जो प्रतिमा है ये हाल ही में यहाँ के लोगों ने एकजुट होकर सम्मिलित एक साथ सम्मिलित होकर बनाई है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपने सुविधा का अभाव बोला था हमें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमें पुल का एक मीडियम था जो हम यहाँ आते थे वो दरिया के बहाव के कारण जो है ढह गया है। हमने आपको जो है मंदिर के जो है बाकी इसे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो है ये आकृति है, ये जो पेंटिंग है सुदेश जी से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा इस तरफ ध्यान दें,
ये माता काली की पेंटिंग भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है और वो माता सती जो है शिवलिंग पूज रही है, शिवलिंग की पूजना अर्चना कर रही है, वो भी माता सती का जो ये स्वरूप जो है पेंटिंग जो है उन्हीं मिस्त्री ने बनाई है, सुरेश नाम है उनका, उन्होंने बनाई है। दिल दिमाग से ये तस्वीर नहीं निकल रही है जिस तरीके से ये प्रतिमा बनाई गई है। जो माँ काली का स्वरूप हमने देखा हुआ है और ये देखने की आप कोशिश करिए कि कलाकारी आप देखिए तो जिस तरीके से माँ काली का स्वरूप होता है हूबहू उस तरीके से इस प्रतिमा को जो है ढाला गया है। आप जो थोड़ा बहुत इस मंदिर का देख रहे हैं कि ऊपर से जो है पेंटिंग की हुई है, माता की मूर्ति ढकी हुई है, हमने फिलहाल के लिए इस प्रतिमा के लिए प्राण प्रतिष्ठा तो कर दी है, बाकी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं सभी महादानियों से यही निवेदन करूंगा, जैसे अभी हमने टाइलें लगानी है, मैं सभी धर्म प्रेमियों से जो हमारे किश्तवाड़ में रहते हैं, दक्षिण में रहते हैं, या हमारे क्या कहते हैं जम्मू में रहते हैं, या अन्य और भी देश की अलग अलग जगहों पे रहते हैं, मैं सभी धर्म प्रेमियों से यही निवेदन रहेगी कि इस मंदिर को पूरी तरह से निर्माण करने के लिए इस मंदिर कमेटी की कृपा करके मदद करें। यदि कोई दानी महादानी दानी सज्जन जो है दान करना चाहेगा तो मैं उसको जो है अपना मेरे को कांटेक्ट करें, या जिसका कांटेक्ट मेरे से नहीं हो पाता है तो सुदेश जी से जो है उनका कांटेक्ट करें, ताकि वो जो है उनका दान दिया हुआ जो है हम अच्छी तरह से इस मंदिर में लगा सकें। कोशिश मैंने पूरी करी अपनी ओर से और अजय जी का भी सहयोग लिया कि अपने गांव के जो धरोहर है हमारे मंदिर दिखाने की मैंने कोशिश करी, और लास्ट पे अजय जी के एक बड़ी अच्छी पहल करी। मैं सिर्फ दक्षिण के लोगों से ही नहीं बल्कि हमारे दक्षिण के बाहर भी जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो भी हमारी धरोहर को देखेंगे, जो भी हमारी मदद करना चाहेंगे, इन मंदिरों को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चाहे किसी भी स्टेट में हो, जो जिन तक ये वीडियो पहुँचेगी, तो ज़रूर इस चैनल पे आप हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए, और आपके दान की हमें बड़ी आवश्यकता है क्योंकि अभी और भी हमें इसको जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैं बताता नहीं, क्योंकि हमने जो है चार मंदिर अभी तक बना दिए हैं। सारे गाँव के मूल निवासी हैं, सबने अपने अपने हिसाब से जिसका जितना हो पाया, जिसकी अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों ने दान किया। लेकिन मैं अभी यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमें फ़िलहाल के लिए तो आवश्यकता है, मैं क्याड़ के ही निवासियों से और दक्षिण के तहसील दक्षिण के जो मूल निवासी चाहे वो देश विदेश में रह रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें जो है आपके दान की आवश्यकता है, इस मंदिर कमेटी को सनातन धर्म सभा जो क्याड़ है उनको आपके दान की आवश्यकता है, इस मंदिर का पूरी तरह से निर्माण करने के लिए हमें आपके दान की आवश्यकता है, तो कृपा करके इस मंदिर को सुसज्जित करने के लिए आप बढ़ चढ़ कर दान करें, उसके लिए आपका जो है हम आभार व्यक्त करेंगे। और जो कांटेक्ट करना चाहेंगे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर सुदेश जी से, क्योंकि सुदेश जी 24/7 अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट नेटवर्क में होते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। तो ये आज का व्लॉग का समाप्त हम यहीं पे करेंगे, क्योंकि हमने अपने धरोहर अपने क्याड़ के सारे मंदिर आपको दिखाने की कोशिश करी, सारे नहीं दिखाने की कोशिश करी, तो आज का कंटेंट हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले कंटेंट में हम आपको जो है हमारे जो कुल देवता है वहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हमारे क्याड़ के बाद भी गाँव पड़ता है सुड़नू, वहाँ पे भी मैं आपको लेके चलूँगा, वहाँ की भी आपको कुछ फैसिलिटीज़ जो नहीं है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, वहाँ के मंदिर भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।